हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम स्टील सेक्टर से एक स्टॉक लेके आए हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील। आज हम इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और शेयर कहां तक जा सकता है आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके प्रोडक्ट्स से। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जेएसडब्ल्यू amongst the leading conglomerates in India, JSW Group is a $12 billion company. It is an integral part of the OP Jindal Group. OP Jindal Group जो है, उन्हीं का ही ये integral part है, and has been a part of major projects that have played a key role in India's growth. So JSW के जो core sector हैं, स्टील, एनर्जी, सीमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ये जो सेक्टर्स हैं इनके प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनके बिजनेस। स्टील बिजनेस है, एनर्जी बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिजनेस है, सीमेंट बनाते हैं। जेएसडब्ल्यू के फुटप्रिंट आप देख सकते हैं, इंडिया में भी इनके प्लांट्स हैं, यूएसए, चिली, यूरोप, यूएई। इनके बिजनेस, इन्होंने अभी एक न्यू बिजनेस और लॉन्च किया है पेंट सेक्टर का। तो पेंट से भी रिलेटेड जेएसडब्ल्यू अब पेंट बनाने लगे हैं, एंड रियल्टी सेक्टर से भी रिलेटेड इन्होंने एक न्यू बिजनेस अपना स्टार्ट किया है पेंट सेक्टर का। दोस्तों आप देख सकते हैं, जेएसडब्ल्यू ने 2019 से ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। इनके ऑरस नाम से, हेलो नाम से पेंट्स मार्केट में आ रहे हैं। बहुत ही सॉलिड बिजनेस है, आप लोग जानते ही हैं पेंट्स का बिजनेस बहुत ही सॉलिड है। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए हैं। तो जीएसडब्ल्यू ने एक अपना न्यू बिजनेस और स्टार्ट कर लिया है पेंट वाला, एंड रियल्टी सेक्टर में भी जीएसडब्ल्यू आगे अपने एक इन्होंने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है रियल्टी सेक्टर में भी, जिसका नाम है जीएसडब्ल्यू रियल्टी। तो दोस्तों हम इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से इनके आगे फ्यूचर के बारे में जानते हैं। जेएसडब्ल्यू ओवरव्यू, जेएसडब्ल्यू स्टील 18 मेट्रिक टन का इनके पास में प्लांट है, इनके पास कैपेसिटी है। इंडियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर, मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं $13.5 billion, $13 billion का इनके पास में मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी आप देख सकते हैं 4.6 मेगावाट, एंगेज्ड अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ पावर बिजनेस, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4.5 गीगावाट की। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी भी इनकी बहुत अच्छी है, $1.6 billion। जीएसडब्ल्यू इंफ्रा एंगेज्ड इन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ पोर्ट्स, ऑपरेशनल कैपेसिटी 98 मेट्रिक टन पर एनम। जेएसडब्ल्यू सीमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो ये अपने इनके प्रोडक्ट्स हैं। एंड जेएसडब्ल्यू पेंट्स, जेएसडब्ल्यू पेंट्स का आप देख सकते हैं कमेंस्ड ऑपरेशन इन मार्च 2019 से इन्होंने ये अपना ये प्रोडक्ट्स स्टार्ट किया है पेंट सेक्टर के। एनुअल ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 1,25,000 क्लो, फुली ऑटोमेटेड कॉइल कोटिंग कैपेसिटी, ओनली फुली ऑटोमेटेड वाटर बेस्ड प्लांट इन इंडिया। जेएसडब्ल्यू पेंट बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग इनके इसके प्रोजेक्ट्स के नंबर्स आ रहे हैं, रेवेन्यू बहुत अच्छा ये जनरेट कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू पेंट से। जेएसडब्ल्यू स्टील दोस्तों आप देख सकते हैं, अमंग इंडिया लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरर, ये अपने स्टील मैन्युफैक्चरर में, स्टील मार्केट में लीडर हैं। इंस्टॉल्ड क्रूड कैपेसिटी ऑफ 18 मेट्रिक टन पर एनम एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इन साउथ एंड वेस्ट इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग स्टील प्लेयर्स इन इंडिया, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज, ग्लोबल प्रेजेंस, आप इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है इनकी, यूएस, इटली, चिली में। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं, इनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एक्सपोर्ट प्रेजेंस आप देख सकते हैं।
की हाइलाइट्स, आप की हाइलाइट्स पे काफी कुछ इनका पता लगा सकते हैं। स्टेबलिस्ट स्टील प्लेयर विद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुली नेविगेटिंग थ्रू मल्टीपल साइकिल्स एंड इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी विद बेस्ट इन क्लास कन्वर्जन कॉस्ट, इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन थ्रू कैप्टिव रॉ मटेरियल सप्लाई, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ थ्रू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन, मेजर कैपेक्स प्रोग्राम नियरिंग कंप्लीशन, अभी बिल्कुल पास में ही इन्होंने एक कैपेक्स प्रोग्राम का कंप्लीशन किया है जिससे इन्हें काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, रोबस्ट फाइनेंशियल प्रोफाइल एंड स्टेबल कैश फ्लो, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, बैलेंस शीट में काफी स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट विद ग्रोथ परसेंटेज, इनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोफाइल डाइवर्सिफाइड बाई रीजन मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये सारे इनके मार्केट स्टील प्लांट्स हैं विजयनगर में, डोलवी में, सलेम में, डाउनस्ट्रीम फैसिलिटीज हैं इनकी, कमलेश्वर, बावल, मसिन, खुपोली में, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया विद एक्सपोर्ट फुटप्रिंट ओवर 100 कंट्रीज, एबिलिटी टू रियलाइन सेल्स एफर्ट एज पर मार्केट कंडीशंस, एक्सटेंसिव जियोग्राफिकल presence in India with nimble sales setup of shift sales judiciously between domestic market and export. Export and domestic market में इनकी बहुत काफी अच्छी पकड़ है, strong business है इनके, strong business profile है JSW Steel की, enhanced focus on cold roll galvanized and galvanized products for body panel of automobile manufactured at a new CRM complex. फोकस ऑन एनरिचिंग प्रोडक्ट मिक्स, एनरिचिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इनका काफी फोकस है, वाइड ऑफरिंग ऑफ फ्लैट एंड लॉन्ग प्रोडक्ट्स लैब्स एचआरसी, एचआर प्लेट, सीआरसी, कलर कोटेड ब्लेड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स इनके सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लीडिंग पोजिशन ऑन ग्लोबल कन्वर्जन कॉस्ट कर्व, टारगेट टू रिड्यूस फिक्स्ड कॉस्ट बाय फर्दर 10-15%, देख सकते हैं दोस्तों, कैपेसिटी एक्सपेंडिंग आप यहां पे देख सकते हैं, जेएसडब्ल्यू 10-on-10 है, टाटा स्टील, पॉस्को इन सबसे हाईएस्ट है 10-on-10, लोकेशन इन हाई ग्रोथ मार्केट 10-on-10, कन्वर्जन कॉस्ट यील्ड्स 10-on-10, लेबर कॉस्ट 10-on-10, तो एग्रीगेट अगर आप रैंक देखेंगे JSW की 9 है, बहुत सॉलिड पकड़ है, नंबर 1 इंडियन प्लेयर है, नंबर 3 एशियन प्लेयर है, नंबर 9 पे ग्लोबल प्लेयर है, बहुत ही सॉलिड, ये सोर्स वर्ल्ड स्टील डायनेमिक्स से लिया गया है जो है इनकी रैंकिंग, इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन थ्रू कैप्टिव रॉ मटेरियल, कैप्टिव आयरन ओर माइंस एंश्योरिंग एडिक्वेट रॉ मटेरियल सप्लाई कर्नाटक से इनके पास में, उड़ीसा से आयरन ओर रॉ मटेरियल की इनके पास में पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है, इंक्रीजिंग रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी भी है इनके पास में, धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रही है, आप ट्रैक रिकॉर्ड इनका देख सकते हैं, बहुत ही सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है, कैपेसिटी CAGR 14.4% से बढ़ी है, टोटल रेवेन्यू 23.1% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, कंटिन्यूसली एवेल्युएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू डिलीवर वैल्यू एनहेंसिंग ग्रोथ, धीरे 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 उन्होंने अपनी कैपेसिटी को एनहेंस किया है, बढ़ाया है, एक्सपेंशन किया है, मर्जर भी किए हैं कुछ कंपनियों के साथ में, कुछ कंपनियों को इन्होंने एक्वायर भी किया है, मेजर कैपेक्स प्रोग्राम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, नियरिंग कंप्लीशन होने वाला है जिसका, डोलवी में इन्होंने एक्सपेंशन करना है 5 मैट्रिक टन पर एनम से 10 मैट्रिक टन पर एनम, विजयनगर में भी पैलेट प्लांट का कोक ओवन इनको उसका भी एक्सपेंशन करना है, और डाउनस्ट्रीम मॉडर्नाइजेशन जो है उनके भी इनको प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनको एक्सपेंशन करना है, कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड एनहेंसमेंट टू यील्ड बेनिफिट्स इनको FY20 से FY21 में ये इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन 5 से 10 हो जाएगा, मतलब 18 मैट्रिक टन पर एनम से इनका 23 मैट्रिक टन पर एनम हो जाएगा,
दो गुना डॉल्वी की एक्सपेंशन हो जाएगी जो इनका प्लांट है डॉल्वी में। बूस्ट फ्लैट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो फ्लैट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें बूस्ट आएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रोलिंग मिल टू एंड इट्स एनहेंस साइज एंड ग्रेड ऑफ रोलिंग प्रोडक्ट्स। सेटिंग अप ऑफ पैलेट एंड कोक ओवन प्लांट टू स्ट्रक्चरली एड कॉस्ट एफिशिएंसी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो इन्होंने एक्सपेंशन जो किया है 5 मैट्रिक टन पर एनम से 10 मैट्रिक टन पर एनम जो किया है, और जो इनके फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बूस्ट ऑलरेडी है, तो उसका काफी फायदा इनको आगे मिलेगा इनके रेवेन्यू में, इनके प्राइसिंग में। तो बहुत ही सॉलिड आगे इनका रेवेन्यू रहने वाला है, प्रॉफिट अच्छा रहने वाला है जो केपेक्स इन्होंने जो करना है आगे, और आगे के लिए भी ये केपेक्स सोच रहे हैं, अनाउंस्ड किया है इन्होंने धीरे 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 ये अपना केपेक्स, केपेक्स टू वी स्पेंट ओवर FY22 एंड FY23 में भी ये धीरे धीरे आगे केपेक्स करेंगे अपने प्लांट्स में, और उनकी सारे जो भी प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं उनको आगे और एक्सपेंड करेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। तो दोस्तों आने वाले 4 से 5 साल के लिए JSW स्टील में आप जरूर दाव लगा सकते हैं। मार्केट लीडरशिप, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया, कॉस्ट लीडरशिप, लीडरशिप बहुत बेहतरीन लीडरशिप है, एक्सीलेंट लीडरशिप है। मेजर केपेक्स प्रोग्राम नियरिंग कंप्लीशन, टोटल प्लान केपेक्स प्रोग्राम $6.4 बिलियन से $3.1 बिलियन वाज स्पेंट टिल FY20। बहुत ही सॉलिड ये केपेक्स प्रोग्राम करना चाहते हैं आगे। बैलेंस केपेक्स टू बी इनक्योर्ड ओवर FY22-23 में भी आगे ये अपना केपेक्स जरूर करेंगे। एस्टेब्लिश्ड फंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड, की प्रोजेक्ट्स जो इनके चल रहे हैं, वो डबलिंग कैपेसिटी जो इन्होंने डॉल्वी में की है उससे काफी इनको फायदा मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट नियरिंग कंप्लीशन, फुली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड स्टेबिलाइजेशन एक्सपेक्टेड इन FY22 फर्स्ट क्वार्टर में हो जाएगा। एंड विजयनगर ऑगमेंटेशन स्टील मेकिंग कैपेसिटी टू 13 मैट्रिक टन पर एनम, ये भी इन्होंने इसको आगे एनहेंस किया है कैपेसिटी को। एंड विजयनगर की कैपेसिटी को इन्होंने एक्सपेंशन किया है, ऐसे ही बासिंद की जो कैपेसिटी है उसको भी इन्होंने एनहेंस किया है। मतलब इनके जितने भी जो प्लांट्स हैं उनकी सबकी कैपेसिटी को इन्होंने एक्सपेंड किया है, एक्सपेंशन किया है उन सब में। तो इससे इनको काफी आगे आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा, आने वाले 3 से 4 साल तक कंपनी को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। सस्टेनेबिलिटी, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी आप देख ही सकते हैं। इंडस्ट्री लीडरशिप, इंडस्ट्री लीडर हैं अपने स्टील सेक्टर के, इन्हें ये सारे प्राइस मिले हुए हैं इनके जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए। गोल्डन पिकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। तो बहुत ही सॉलिड कंपनी है, सोशल इनिशिएटिव्स भी ये करते रहते हैं। JSW ग्रुप बहुत ही नामी ग्रामी ग्रुप है। तो चलो आइए दोस्तों इनके आगे टेक्निकल हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जो शेयर का चार्ट है उसके थ्रू। शेयर का चार्ट बहुत धीरे 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 शेयर का चार्ट आप देख सकते हैं ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो किया है अप्रैल से, तो बहुत तेजी से ये चार्ट ग्रो किया है, अपने हाई पर चल रहा है। FD से ज्यादा इन्होंने रिटर्न कमा के दिया है, एंट्री पॉइंट सही है, ले सकते हैं। सेक्टर PE से बिल्कुल हाफ में अभी चल रहा है, सॉलिड है, आगे इम्प्रूवमेंट अच्छा रहेगा। 46% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, तो शेयर को आप परचेस कर सकते हैं बिना झिझक। आप देख सकते हैं शेयर टेक्निकली एंड वीकली एंड मंथली हर एक इंडिकेटर पर बुलिश है, बहुत सॉलिड शेयर है। फेस वैल्यू 1 है, 16 की EPS पे शेयर ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 148। देखिए दोस्तों ये शेयर का चार्ट है, बहुत अच्छा इसने हाई बनाया है प्रीवियस डे को, फ्राइडे को, अपना थर्सडे को ही, बहुत सॉलिड चार्ट बना हुआ है। अभी इन्होंने हाई लगाया है थर्सडे को ही, तो आप इसको जरूर ले सकते हैं। एंड शेयर का डिविडेंड, शेयर डिविडेंड भी रेगुलर देता रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड है, एवरी ईयर शेयर डिविडेंड देता है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं इंक्रीज कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गली इंक्रीज कर रहा है,
सितंबर के क्वार्टर में, दिसंबर वाले क्वार्टर में ईपीएस भी स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हो रही है, 11 की आरओई पे शेयर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप मार्केट के लीडर हैं स्टील सेक्टर के, तो दोस्तों आप इस पे दाव लगा सकते हैं, ये शेयर बहुत ही आगे जाएगा और अभी आने वाले 2 से 4 क्वार्टर के अंदर 800 रुपए तक के भाव जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेटल सेक्टर में वैसे ही डिमांड है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको अगर और किसी और शेयर की वीडियो अगर आपको चाहिए, उसका एनालिसिस चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आता रहूँगा। थैंक यू।